बलघाटी के बहना में आजकल लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं। एक ताजा घटना के तहत बहना गांव में एक व्यक्ति को आवारा बैल ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल को जोनल अस्पताल मंडी लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। चूंडामणि नामक ये व्यक्ति कोट मोर देवाली गांव का रहने वाला है, जो कि 4 लेन में कार्य कर रहे एक निजी कंपनी में नाइट ड्यूटी पर तैनात था। सुबह ड्यूटी ऑफ होते ही चूंडामणि घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसे बैलों के एक झुंड मिला, जिसमें एक बैल ने अचानक चूंडामणि पर हमला कर दिया, उसे बुरी तरह घायल किया, जिसके बाद उसे सहयोगियों के मदद से छुड़ाया गया। बाद में उसे उपचार के लिए जोनल अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित चूंडामणि के बेटे रितेश ठाकुर ने सरकार व प्रशासन से आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। वहीं 3 दिन पहले भी 63 वर्षीय आलम सिंह नाम के व्यक्ति को भी इसी आवारा बैल ने बुरी तरह घायल करके घर पहुंचा दिया था। आलम यह है कि अभी भी जोनल अस्पताल में वे उपचाराधीन हैं। आवारा बैल के इस आतंक के कारण बहना के लोग बुरी तरह सहमे हैं और गांव वासियों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। रात को 8 बजे जब मैं मटरी खेत में था, तो उस रुक में एक बैल घुसा हुआ था, आवारा बैल घुसा हुआ था। उसको काटने के लिए जब मैं खेत में गया, तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे अपने सिंह पर उठा के इनके साथ 8 फुट जो है दूर पटक दिया, मटरी खेत में ही गहरे में ही। और उसने 3-4 बार हमले किया मेरे ऊपर, लेकिन पहली बार जब उसने हमला किया, तो उस वक्त जो है मतलब मेरा जो बाजू है वो इतना फ्रैक्चर हो गया कि उसका मांस नीचे लग गया गिरने। फिर वो मैं चुप चुपा के जो है मतलब कमरे में घुस गया। फिर उसके बाद मैंने फोन किया घर वालों को, घर वाले 9 बजे आए, 9 बजे बाद हम यहाँ 9:30 बजे हॉस्पिटल में जो है वो धक्के वगैरह लगे, 15 धक्के लगे। लगते हैं कि भैया वो जो बैल वाला वहाँ घूमे हुए बहना में, उन्होंने 7-8 केस कर दिए हैं वहाँ, कई उनको जड़ गया हुआ है। तो ऐसा है कि उन बैलों को पकड़ के जो तो उसमें भेजा जाए, या फिर उनको जो है मतलब निकला दिया जाए कुछ पक्का, जैसे कि वहाँ उस एरिया में नहीं मिले। उस एरिया में कम से कम 7-8-9-10 बैल है जिनसे डर लगता है, वो कभी मतलब हमला करते हैं किसी के ऊपर। अब इस बैल ने कम से कम 7-8 आदमी को जो है मतलब इंजर्ड किया हुआ है। आज से 2 महीने पहले जो है गुड़कर में एक सरदार के ऊपर इसने हमला किया, जिसको 45 टांके लगे। उसके बाद किसी और को किया, और एक डॉक्टर था कंपाउंडर का रिटायर, उसको भी इसने इंजर्ड किया, 7-8 टांके उसको लगे। मेरे डैडी बहना में ड्यूटी पे थे, 7 टू 7 स्टाफ थे। तो उन्होंने जब आ रहे थे सुबह पानी लेने के लिए, तो रास्ते में बैल खड़े हो गए थे। 6:30 बजे के करीब रास्ते में बैल खड़े हो गए, थोड़ा सा साइड करने की कोशिश की ना इन्होंने, तो वो उन्होंने अटैक कर दिया इनके ऊपर, 6-7 बैलों ने। तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि बच्चों पे भी अटैक कर सकते हैं, बड़ों पे भी, क्योंकि लड़कियों को भी जाने में टफ हो जाता है वहाँ से।